देखिए, जहाँ प्रेसिडेंट नहीं होगा कुछ परेशानी तो होगी, क्योंकि वर्कर्स भी सोचते हैं कि किसके अध्यक्षता में करें। तो वो कमी मैं मानती हूँ हमारे में है, कार्यकर्ता में नहीं है, पर हम जरूर तुरंत ही वेरी क्विकली वी विल डू इट। लेकिन लोकसभा के बाद जो हमारा रिजल्ट रहा हिस्सा, उसमें इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत थी कि इतना बुरा रिजल्ट क्यों। निरंजन पटनायक जी थे, AICC लेवल पे कई चर्चाएं हुई, तो फ्रंटल कुछ हद तक पेरेंट होने के ऊपर निर्भर है। तो उनका जो भी प्रोसीजर खत्म हुआ है, अब हम फ्रंटल्स को फिर से नई तरीके से ताकतवर करके नया संगठन बनाने की जरूरत है। देखिए, आज मीटिंग है, BCC प्रेसिडेंट जब नेक्स्ट दिल्ली आएंगे, जितेंद्र सिंह जी मिलेंगे, एक साथ बैठ के हम तय करेंगे। पर ये जरूर कहूँगी कि इतने खराब रिजल्ट के बाद भी सिर्फ 3 दिन के नोटिस में जिस तरह महिलाएं आज सभा में आई है, इसका मतलब उनके अंदर आज भी उत्साह है, उसी का हौसला बढ़ाने की जरूरत है। BJP के महिला मोर्चा के जो अध्यक्ष है, उनसे मेरा निवेदन है, पहले तो उड़ीसा में घूम घूम के ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं दरवाज़ा बंद करके, उत्तर प्रदेश के जो विधायक BJP के महिलाओं का रेप कर रहे हैं, उस पर ज़रा उड़ीसा की महिलाओं को बताएं। मैं महिला मोर्चा की अध्यक्षा से ये कहूँगी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके खुद के विधायक रेपिस्ट हैं, अमित शाह चुप है और मोदी जी नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अभी पूरे देश की महिलाएं यही कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के रेपिस्ट नेताओं से देश की महिलाओं को बचाने का कोई तरीका अगर महिला मोर्चा के अध्यक्ष के पास है तो वो देश की जनता को बताएं, पहले तो वो बताएं।